आपके अपने YouTube चैनल मेडिकल सैन में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है बैंडेज। यानी कि क्वेश्चंस बहुत बार पूछ ले जाते हैं फंडामेंटल के अंदर, ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस काफी बार इसे पूछे गए हैं, कहां कहां से पूछे गए मैं आपको बताऊंगा। प्लस में इस वीडियो को पूरी देखना, छोटा सा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दैट इज बैंडेज क्या होता है और क्या इसके टाइप होते हैं। तो सबसे पहले बैंडेज क्या होता है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द वुंड। यानी कि किसी भी वुंड की आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या कहा जाता है सर, बैंडेज कहा जाता है। देन उसके बाद में टाइप्स, ठीक है। टाइप्स के अंदर सबसे पहले क्या होता है, गोज बैंडेज, ठीक है। गोज बैंडेज होता है जिसके अंदर आपने देखा होगा, आप जाते हो चोट लग जाती है तो उसके ऊपर गोज रखे फिर पट्टी लपेट दी जाती है, ठीक है। तो गोज बैंडेज होता है, मोस्ट कॉमन होती है, लिख लेना, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है, ठीक है। देन उसके बाद में साइज के बारे में बता देता हूँ। इसके बारे में जैसे एक से एक इंच होती है, दैट इज सर फिंगर के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है। या फिर सेकेंड नंबर पर होता है सर एक दो से ढाई इंच, अगर ये लगाई जाती है सर फोर हेड के ऊपर, ठीक है। और बाकी तीन से साढ़े चार इंच तक होती है, दैट इज यूज एट द लोअर लिंब के ऊपर लगाई जा सकती है, ठीक है। और ये यहाँ पे आर्म के ऊपर लगाई जा सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पांच से छह इंच की होती है, दैट इज ट्रंक के ऊपर, एबडोमेन के ऊपर या फिर चेस्ट के ऊपर यूज की जाती है। क्या पांच से छह इंच तक ये बैंडेज, गोज बैंडेज। अब इसके बाद में क्या होता है कि दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, टाइप्स ऑफ द बैंडेज के बारे में। देन उसके बाद में होता है क्या, कौन सी बैंडेज आती है, दैट इज ट्यूब बैंडेज। क्या आती है, ट्यूब बैंडेज। अब ये ट्यूब बैंडेज क्या होती है, देखो ट्यूब बैंडेज का मतलब ये होता है टू प्रिवेंट फ्रॉम द किसके बारे में सर, टू प्रिवेंट फ्रॉम द स्प्रेन एंड स्ट्रेन। यानी कि स्प्रेन क्या होती है, स्ट्रेन होती है, स्प्रेन तो होती है मोच लगना, ठीक है। और जो स्ट्रेन होती है वो आती है खींचा हुआ जाता है ना, खींचा हुआ जाता है समटाइम्स मसल्स के अंदर, टेंडन्स के अंदर। तो उस टाइम पर जो स्ट्रेन होती है, स्प्रेन होती है मोच लगना, तो उसको प्रिवेंट करवाने के लिए ट्यूब बैंडेज यूज की जाती है। देन इसके अलावा आती है सर इलास्टिक बैंडेज। इलास्टिक बैंडेज क्या होती है, इलास्टिक बैंडेज इतनी सी होती है सर कि ये क्रैप बैंडेज भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, क्रैप बैंडेज। जो गर्म पट्टी आती है आपने देखा होगा, गर्म पट्टी का दूसरा नाम इलास्टिक बैंडेज कह सकते हैं, फिर क्रैप बैंडेज कह सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में क्या कहा जाता है कि भैया ये क्या करती है सर, इट प्रिवेंट एडिमा, यानी ये एडिमा को प्रिवेंट करवाती है, स्वेलिंग को कम करती है। देन उसके बाद में आती है सर प्रेशर बैंडेज। ये बैंडेज कब कही जाती है, जब आफ्टर द पैरासेंटेसिस वाले पेशेंट के अंदर, ठीक है, पैरासेंटेसिस या फिर एबीजी एनालिसिस के बाद में प्रेशर बैंडेज की जाती है। बाकी इसके अलावा प्रेशर बैंडेज के बाद में और बताता हूं मैं, कंप्रेशन बैंडेज। ये कंप्रेशन बैंडेज क्या होती है, देखो कंप्रेशन बैंडेज नाम से पता चल रहा है, कंप्रेस करने के अंदर यूज की जाती है टू प्रिवेंट फ्रॉम द ब्लीडिंग, ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रॉम द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करवाने के लिए इसका यूज किया जाता है, लाइक एग्जाम्पल के अंदर एंजियोग्राफी के अंदर, ठीक है। क्या की जाती है, कंप्रेशन बैंडेज की जाती है। अब इसके बाद में दो बैंडेज और होती है जो छोटी मोटी है, पूछ ली जाती है, समटाइम्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप वीडियो को पूरी देखना और समझना, ठीक है। सबसे पहले होती है कंप्रेशन, नहीं सॉरी, इसके बाद होती है वेट बैंडेज। वेट बैंडेज नाम से पता चल रहा है, वो बैंडेज जो आफ्टर द किसके बारे में की जाती है, वेट बैंडेज, यानी कि अगर कोई इन्फेक्शन हो चुका है, यानी कि कोई डायबिटिक अल्सर हो चुका है या फिर कोई किसी और कारण की वजह से पहले से ही इन्फेक्शन हो चुका है, वुंड हो चुका है, उसको कवर करने के लिए यूज की जाती है, कवर द वुंड, ठीक है। कब वुंड को कवर करने के अंदर कौन सी यूज की जाती है, वेट बैंडेज यूज की जाती है, पहले से इन्फेक्शन हो चुका है। और ठीक है, ड्राई बैंडेज का मतलब क्या होता है, ड्राई बैंडेज का मतलब ये होता है सर, इट प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन, इट प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन, यानी कि ये वुंड बना नहीं है लेकिन ये बन सकता है, उसको प्रिवेंट करवाने के लिए कौन सी बैंडेज यूज की जाती है,
ड्राई बैंडेज यूज की जाती है। अब टाइप्स ऑफ द बैंडेज के बारे में, भाई टाइप्स के बारे में कैसी होती है, कैसे कैसे इसका टाइप साइज वगैरह होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ द टाइप्स एंड साइज भी हो गया, ठीक है। तो वेरियस अनदर वेरियस टाइप्स ऑफ बैंडेज के अंदर, इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, देखो इसके अंदर सबसे पहले होता है कैपलिन बैंडेज, यानी कि वो बैंडेज जो सर पे लगाई जाती है चोट लगने के बाद में, ठीक है। कैपलिन यानी कि टू द हेड ट्रोमा के ऊपर लगाई जाती है, हेड ट्रोमा के अंदर लगाई जाती है। देन सेकंड नंबर पे आता है कौन से वाला, फिगर ऑफ एट, क्वेश्चन यहां से आता है फिगर ऑफ एट। ये बैंडेज होती है, ये कब कब यूज की जाती है, ये बैंडेज हमेशा एंकल के ऊपर, नी के ऊपर, क्लैविकल के ऊपर, या फिर आफ्टर द एम्फुटेशन, यानी कि एम्फुटेशन के बाद में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। थर्ड वन की चीज सर स्पाइकल बैंडेज, स्पाइकल बैंडेज कहाँ यूज की जाती है, स्पाइकल बैंडेज यूज की जाती है सर शोल्डर के ऊपर पीछे की तरफ, ठीक है, शोल्डर बैंडेज शोल्डर पे यूज की जाती है। बाकी फोर्थ वन की चीज टी ट्यूब बैंडेज, यानी कि ये कहाँ यूज की जाती है सर, ये पेरिनियल सर्जरी के अंदर यूज की जाती है। पेरिनियल सर्जरी यानी कि जेनाइटल ऑर्गन के पास में, आसपास में जो टी ट्यूब बैंडेज होती है वहां इसका यूज किया जाता है। एक आखिरी बैंडेज होती है, दैट इज स्पाइरल बैंडेज। स्पाइरल बैंडेज यानी कि एक से दो सेंटीमीटर अपन स्पाइरल को मान दी जाते, लपेट की जाती है, उसे स्पाइरल बैंडेज कहा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बैंडेज। आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखी होगी, और अगर कुछ अच्छा सीखने को मिला तो लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना। मैंने लगभग पीडियाट्रिक का और फंडामेंटल का टॉपिक सारा कंप्लीट कर दिया, जिसके अंदर मेन जितने भी टॉपिक्स है और कोई एक दो होंगे तो मैं वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। प्लस में अगर इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, टिल देन सभी भाइयों को।